हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 33, क्लास 8th इंग्लिश वर्कशीट है बेटा। आपके स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, क्लास टीचर का नेम लिखेंगे, डेट कब की है, डेट डाल देंगे 3 फरवरी 2021। प्री पोजिशन कॉन्टिन्यू है आपकी, पिछले प्रीवियस लेसन में आपने प्री पोजिशन ऑफ प्लेस की थी, स्थान के बारे में, जैसे अंडर, ऑन, अबव, नियर, फार, ठीक है। आज हम प्रीपोजिशन करेंगे डिस्कस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के लिए हम प्रीपोजिशन 3 यूज करते हैं, एट, इन और ऑन, ठीक है। अब कौन से टाइम के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है वो आपको ये दिख रहा है चार्ट के माध्यम से पता चलेगा। जैसे टाइम ऑफ डेट है एट 12 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट, ये टाइम के लिए, ठीक है। मील टाइम यानी खाने के टाइम के लिए भी एट का यूज करेंगे, लंच टाइम, डिनर टाइम, ठीक है। हॉलीडेज हो, क्रिसमस हो, वीकेंड हो, ईस्टर्न, कोई भी हॉलीडेज हो उसके लिए भी एट का यूज़ करेंगे। कोई एक्सप्रेशंस हो जैसे एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, एट नाइट, उसके लिए भी हम एट यूज़ करेंगे। इन कब यूज़ करेंगे, इन जैसे मंथ के लिए, सीजन के लिए, ईयर, कोई डिकेट्स हो, ठीक है ना, 19वीं शताब्दी या 80s, ठीक है, या लॉन्ग पीरियड हो जैसे इन आइस एज या इन प्रेजेंट, इन द पास्ट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डे हो जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये, ठीक है, इनके लिए हम इन यूज करेंगे। ऑन कब यूज करेंगे, ऑन डे के लिए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ऑन बर्थडे, क्रिसमस डे, कोई भी डे हो, ठीक है। फिफ्थ, जैसे डेट में अगर हम करें 15th June, तो ऑन 15th June, ऑन 20th May, ऑन आवर एनिवर्सरी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे जैसे ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे भी हम ऑन का ही यूज करेंगे। तो हम कुछ ये जो प्रैक्टिस सेट के लिए दिए गई हैं हम ये प्रैक्टिस करेंगे और फिलअप भरेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट देखें, इज आवर नेबरहुड क्वाइट डैश नाइट, तो नाइट के लिए क्या यूज करेंगे, एट। सेकंड में क्या है, ऑटम, ऑटम के लिए यूज क्या करते हैं, इन। अब फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इन, ठीक है। फ्राइडे तो डे है तो ऑन, टाइम दिया हुआ है तो एट। मोमेंट, मोमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, 6 में एट। अब सेंचुरी है, सेंचुरी 7th में क्या यूज करेंगे, इन, लॉन्ग पीरियड हो गया ना। अब वीकेंड, वीकेंड के लिए क्या यूज करें हैं, 8th में एट द वीकेंड। बर्थडे, ऑन माय बर्थडे, और लंच टाइम में भी एट यूज करेंगे, एट लंच पार्टी। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सिंपल था, आपने टेबल में से देख के ऐसे ही करना था और इनको याद भी करना है। ये रूल सारे लिख लेने हैं अपने नोटबुक में और याद करने हैं बेटा। अभी अभी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।